पौड़ी की, जहां पर जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ जनपद में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम आगामी 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जिला अधिकारी ने जनपद के मठ मंदिर देवालयों समस्त नदियों के किनारे स्नान घाटों में विशेष सहभागिता से स्वच्छता अभियान चलाने, साफ सफाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी विभाग के पदाधिकारियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महिला मंगल दल, युवा मंगल दलों, स्वयं सहायता समूहों, योजनाओं के लाभार्थियों, स्कूली बच्चों, श्रमिकों सभी को दीपोत्सव और सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनवाने के लिए भी इस दौरान आदेश दिए गए हैं। पौड़ी से मुकेश बच्चेती की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और संस्कृति विभाग के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं और इस संबंध में डीसी में भी हमें अभी डायरेक्शन मिले हैं। इसमें 14 जनवरी से लगातार 22 जनवरी तक हमें विभिन्न प्रोग्राम्स को करवाना है या विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित किए जाने हैं, जिसमें स्वच्छता मुख्य रूप से भी रहेगा। उसके अतिरिक्त काफ़ी व्यापक जन सहभागिता के आधार पर दीपोत्सव का प्रोग्राम है या कलश यात्रा की जानी है और इस तरीके की जो संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण आस्पेक्ट्स पे जो प्रोग्राम करवाने, तो इस मैटर में डायरेक्शंस भी हम लोगों की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। BDO और SDM के लेवल पर, ग्राम स्तर पर या जनपद स्तर पर व्यापक रूप से किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इससे रिलेटेड तैयार है।